और इसी से मुतालिक कुछ सवालात हैं जो शौहर और बीवी के ताल्लुक से हैं। काफ़ी सारे सवालात हैं, उनमें से मैंने कुछ कॉमन सवालात को जो है चुना है, उनके जवाब देने में चाहता हूँ उसमें इजमाई तौर से सारे जवाबात को एक वीडियो के अंदर दर्ज करा दूँ, क्योंकि ऐसे मसाइल की हर एक सवाल के लिए सेपरेट वीडियो बनाना दुरुस्त नहीं है। दूसरा ये कि बाज़ लोग फिर इस मामले में थोड़ा ताना जनी भी करते हैं, अगरचे मामला ऐसा नहीं है, यानी उनके नुक्ता नज़र गलत है। अल्लाह तबारक व ताला के दीन ने हमको तमाम अहकाम दिए हैं, बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके मरने तक, कब्र में जाने तक के सारे अहकाम इस्लाम ने बताए हैं। इसके सिवा सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, यानी तमाम हयात के अहकाम और ज़िंदगी बशर करने का तरीक़ेकार इस्लाम ने बताया है। मुसलमानों को बेशरम बेझिझक अपनी ज़रूरत के मसाइल को सीखना और पूछना चाहिए, वरना इससे नुकसान ही होता है कि लोग फिर हरामकारी में मुबतला होते और शर्म की वजह से इल्म दीन नहीं सीखते। इसलिए बाज़ लोग इस पर तंज वीडियो पर ज़रूर करेंगे कि इस तरीके के सवाल नहीं होने चाहिए थे, लेकिन इसका ताल्लुक इंसानियत ही से है, शरीयत ही से है, इसलिए इसके जवाबात जो हैं वो दिए जा रहे हैं। तो मैं इन पे यूज़र के नाम लिए बग़ैर, क्योंकि इस्लामी बहनें भी हैं और इस्लामी भाई भी हैं, यूज़र के नाम लिए बग़ैर इनमें से जो सवालात हैं मैं उनके कुछ मुख्तसर से जवाबात अर्ज़ कर दूँगा, ताकि जिसमें से जिन लोगों के सवाल हों वो समझ भी जाएंगे और इंशाल्लाह ताले से एक वीडियो से इस मामले में, क्योंकि लोग शर्म झिझक की वजह से पूछ नहीं पाते, लाखों मुसलमानों को इंशाल्लाह ताले इससे जो है वो नफ़ा ज़रूर मिलेगा। पहला सवाल सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि हम बिस्तरी कितनी मरतबा करनी चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि शरीयत मुतहरा ने इसके अंदर कोई तादाद की कैद नहीं लगाई है आपके लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हफ़्ते में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार, या हफ्ते में दो दिन, या हर एक दिन में दो दिन करने में भी कोई हर्ज नहीं है। और ये मामला डिपेंड करता है बंदे की तबीयत पर और सेहत पर, इसी तरह सामने वाले पार्टनर की तबीयत पर और सेहत पर। अगर इन दोनों की तबीयत और सेहत में कोई नुकसान नहीं है तो फिर इसके अंदर तादाद की कोई कैद नहीं है। मगर ये कि सिर्फ अपनी लालच ना देखी जाए, सामने वाले का भी ख्याल किया जाए। कभी ऐसा भी होता है कि बाज़ लोग ये सवाल इसलिए करते हैं कि वो ये कहना चाहते हैं, यानी मर्द हजरात की तरफ से, कि हम बिस्तरी करना चाहते हैं मगर जो है ना औरत मना करती है कि इतनी नहीं करनी चाहिए, तो आप बताओ कितनी करनी चाहिए, यानी कितनी मरतबा करनी चाहिए। तो उसमें तादाद यही है कि सामने वाले के मना करने की कोई शरई वजह भी हो सकती है, कोई तबीयत में बिगाड़ भी हो सकता है, तो उन चीज़ों का भी जो है ना ख्याल रखा जाए। बाकी इसमें कैद नहीं है कितनी भी मरतबा करने की, और हफ्ते में या महीने में कितनी भी मरतबा, और इसी तरह दिन और रात में करने में भी इसमें कोई कैद नहीं है कि सुबह के वक्त की जाए या शाम के वक्त। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम बिस्तरी का सही वक्त क्या है। तो देखें, रात के वक्त तो इसमें मैंने बताया भी कोई कैद नहीं है, लेकिन इसका जो मुनासिब वक्त होता है वो सुबह और फजर की नमाज के बाद का बेहतर है। इसमें बहुत सारे तिब्बी फवायद हैं, यानी डॉक्टरी नज़रिए से अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी सारे फवायद हैं। क्योंकि रात में होता ये है कि आदमी जल्दी खाना अक्सर नहीं खाता, देर से खाना खाते हैं और फिर रात को देर तक सोते हैं, लिहाजा खाना मुकम्मल तौर से हज़म भी हो या नहीं होता, और ऐसे में आदमी की सेहत जो पूरे दिन थकावट जिस्म में होती है वो भी थकावट दूर नहीं होती, तो इससे जो है औलाद के कमज़ोर होने का थोड़ा नुकसान रहता है। लिहाजा ऐसी सूरत में अगर आदमी खाना वगैरह खा के सो जाएगा तो सुबह का जो वक्त होता है फजर के आसपास, ऐसे वक्त में उसका खाना मुकम्मल तौर से हज़म भी हो चुका होगा, सेहत को लग भी चुका होगा, और ये कि उसके जिस्म को पूरी तरह से आराम मिल भी चुका होगा। लिहाजा बाद नमाज फजर ये फेल ज़्यादा बेहतर है, अगरचे जायज़ रात को भी है, लेकिन इसमें एक दूसरे नुकसान ये भी हैं कि रात में करने से ये सारे मामलात, आदमी अक्सर गुसल नहीं कर पाता और ना ही औरत गुसल कर पाती, तो ऐसे में होता ही है कि इन दोनों को पूरी रात नापाकी की हालत में गुजारनी पड़ती है, और नापाकी की हालत में ज़्यादातर यानी जानबूझ कर रहना ये शरीयत नापसंद करती है। और इसमें एक पहलू ये भी है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो कि रात में नापाकी की हालत में मौत आ जाए और वक्त का कोई एतबार नहीं होता। दूसरा ये होता है कि अगर आंख ऐसे वक्त में खुली कि फजर का वक्त करीब है तो आदमी गुसल नहीं कर पाएगा, वरना फिर गुसल की गफलत में वो नमाज को कज़ा कर देगा। तो ऐसी सूरत में सेहत के एतबार से भी यही मुनासिब है कि खाना खाने से फौरन बाद ये मामलात नहीं करने चाहिए, लिहाजा इसमें ताखीर की जाए और सुबह का वक्त बाद नमाज फजर, इसमें ये फ़ायदा होगा कि पूरी रात आप पाक होकर सो सकेंगे और पाक होकर सोने के साथ सुबह फजर की नमाज वगैरह भी पढ़ लेंगे और तबीयत और जिस्म में पूरी तरह से थकावट जो है वो दूर हो चुकी होगी। इसी तरह गुसल के ताल्लुक से भी औरत के अंदर तो ये रियायत दी गई है गुसल में कि जब वो ऐसे मामलात बिलफर्ज़ अगर रात में करे
तो सुबह फजर के बाद जब गुसल करे तो गुसल में उसमें ये रियायत है कि वो सर का जूड़ा ना खोले और जो है ना सर के पूरे बाल भी ना भिगोए, सिर्फ जहाँ से बाल उगते हैं वो जड़ पूरे सर की गीली कर ले, बाकी जो बड़े बाल हैं उनको अगर वो ना धोए तो चल जाएगा। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है कि गुसल में औरत की रियायत, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में कम से कम 5 वीडियो हैं जो इस वीडियो के ताल्लुक से ही हैं, इस वीडियो के सिवा अगर किसी को देखनी हो तो वो 5 वीडियो भी प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके देख लें। उन्हीं में से एक ये भी है कि गुसल में औरत को रियायत, तो वहाँ जो है गुसल में औरत को रियायत भी मिल जाएगी। अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी होता है कि गुसल हम बिस्तरी करने के कितनी देर बाद गुसल किया जा सकता है, और ये बहुत ज़्यादा ख़ास सवाल भी है। तो देखिए, हम बिस्तरी करने के फौरन बाद गुसल करना शरई एतबार से जायज़ है, लेकिन तिब्बी नुक्ते नज़र से ये नुकसान का बाइस है। यानी अगर आप ये कहें कि हम बिस्तरी से फारिग होने के फौरन बाद अगर कोई शख्स गुसल करता है, तो ऐसे में नुकसान ये होता है कि उसको शदीद बुखार का मर्ज पैदा हो जाता है, क्योंकि ऐसे में आज़ा में तनाव पैदा होता है, और क्योंकि जिस्म में हरारत होती है, गर्म होता है, तो ऐसी सूरत में अगर वो शख्स पानी डालेगा तो ऐसे में प्राइवेट पार्ट में भी नुकसान होने का उसके ख़तरा रहता है, और यानी नसों में ख़राब होने का भी इसमें ख़तरा रहता है, और फिर बुखार के एतबार से भी ये सही नहीं है। तो ऐसी सूरत में कम अज़ कम 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा रुकना चाहिए, हम इस तरीके बाद फ़ौरन गुसल नहीं करना चाहिए। और इसी तरह गुसल के ताल्लुक से है कि जब गुसल नहीं करना चाहिए तो मतलब इस्तिंजा भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हम इस तरीके फ़ौरन बाद शायद इस्तिंजा कर लेते होंगे, तो ये भी नुकसान का पहलू होता है। और इसमें एक नुकसान ये भी होता है कि बिलफर्ज़ अगर किसी ने हम इस तरीके फ़ौरन बाद ही गुसल कर लिया और गुसल के बाद फिर उसकी वही मनी जो शहवत के साथ निकली थी दोबारा निकलेगी, तो ऐसी सूरत में उस पर फिर से गुसल फ़र्ज़ हो जाएगा। तो ऐसे में एहतियात ये करनी चाहिए कि 15 मिनट एहतियात करने से एक तो सेहत के एतबार से भी फ़ायदा हो जाएगा और शरीयत के एतबार से भी फ़ायदा हो जाएगा। सेहत का फ़ायदा ये होगा कि आदमी बुखार से बच जाएगा, और उसमें दूसरे नुकसान होने से, यानी जैसे ही गर्म जिस्म पर अचानक से पानी डाल लिया जाएगा, वो नुकसान तो होने से भी बचेगा। और फिर ये कि 15-20 मिनट के रेस्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि रुकी हुई मनी जो नसों वगैरह में होगी वो धीरे धीरे से कतरात के साथ में निकल भी जाएगी, और इस्तिंजा करने के बाद वो गुसल करेगा तो ऐसी सूरत में वो मुकम्मल तहारत हासिल कर लेगा, मुकम्मल गुसल कर लेगा। तो लिहाजा मर्द हो या औरत, हम बिस्तरी के कम से कम 20 मिनट या आधा घंटे तक रुकना चाहिए, यहाँ तक के शर्मगाह भी नहीं धोनी चाहिए, कम से कम इतना वेट ज़रूर करना चाहिए कि वहाँ भी पानी डालने से नुकसान तो होते हैं। इस्लामी बहनों की तरफ से तहारत के ताल्लुक से कुछ सवालात इस मामले में होते हैं। सबसे ज़्यादा ये मालूम करती हैं कि हम बिस्तरी करने के बाद क्या बेड शीट बदल देनी चाहिए, यानी बेड पे बिछी हुई चादर को तब्दील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके ताल्लुक से वैसे तो मैं कई मरतबा लिखकर जवाब दे चुका, मगर वीडियो में ये क्योंकि सवाल ये ज़्यादातर आते रहते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी मुकम्मल ये बना ही रहा हूँ कि हम बिस्तरी के बाद जो चादर होती है उस चादर को बदलने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि उसके ऊपर किसी किस्म का निशान या नजासत के कोई ज़र्रात वगैरह उस पर ना पाए जाएं। मसलन ये कि हम बिस्तरी करने के बाद आपने देखा कि चादर पे मनी वगैरह का कोई दाग निशान नहीं, तो ऐसी सूरत में वो चादर बिल्कुल पाक है। फ़कत ये कि उस पर हम बिस्तरी की गई है तो वो चादर नापाक हो गई, ऐसा नहीं होता। फ़कत ये कि आदमी के जिस्म से पसीना निकलता है, आदमी नापाक है और वो उस चादर पे लगेगा तो चादर नापाक होगी, ऐसा भी नहीं होता। लिहाजा उस पर अगर बज़ाहिर निशान नहीं है तो फिर वो चादर पाक है, और बिलफर्ज़ अगर उस पर निशान है तो जितने पर वो निशान है सिर्फ उतनी चादर धोई जा सकती है, मुकम्मल चादर बिल्कुल दुरुस्त है। उस निशान के अलावा बाकी चादर पे भी अगर कोई नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े बैठ के, तो बिल्कुल सही है उसका वो मामला। सिर्फ एक जगह निशान होने से वो मुकम्मल चादर पे बैठना, इससे कोई हरज वाली बात नहीं है। एक होता है कि जिमा करने के बाद आदमी ने गुसल करा, गुसल करने के बाद क्या वही कपड़े पहन सकते हैं जो पहने हुए थे, या फिर धुले हुए कपड़े पहनेंगे तो नापाक हो जाएंगे? तो ऐसा भी नहीं है। यही 5 वीडियो के अंदर आपको ये भी वीडियो मिल जाएगी कि गुसल कर लेने के बाद अगर कोई शख्स, यानी गुसल करने से पहले नापाकी की हालत में अगर कोई शख्स ये कपड़े पहने धुले हुए, तो ऐसी सूरत में वो कपड़े नापाक नहीं होंगे जब तक उस पर निशान नहीं लगेगा। इसी तरह गुसल कर लेने के बाद अगर कोई शख्स वो कपड़े पहने जो जिमा के वक्त पहने हुए थे, तो ऐसी सूरत में उसको फिर से गुसल करना ज़रूरी नहीं है। यानी वो कपड़ों पर अगर बज़ाहिर कोई निशान नहीं है, कपड़े साफ़ हैं अगरचे मैले हैं और नापाक आदमी ने पहने थे, तो उसके पहनने से भी कपड़े ये नापाक नहीं होते।
बहुत से लोग पूछते हैं कि हम बिस्तरी करने के बाद फजर से पहले के आधा धड़ धोकर नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब शहवत के साथ मनी निकलने से गुसल फ़र्ज़ होता है तो इसका मतलब ये है कि मुकम्मल तौर से गुसल करना होगा, आधा धड़ धोने से इसमें काम नहीं चलेगा। हम बिस्तरी के ताल्लुक से कुछ सवालात ऐसे हैं कि बाज़ लोग ये पूछते हैं कि आप बरहना होके यानी बिना कपड़ों के मर्द औरत एक साथ सो सकते हैं या नहीं सो सकते। तो देखें, इसमें शरई एतबार से तो ये है कि ऐसा करना जायज़ तो है, मगर इसमें दूसरे नुकसानात जो बुज़ुर्गों ने बयान फरमाए हैं इस मामले से, वो ये हैं कि इससे आदमी में बेहयाई बढ़ती है, और जब आदमी में बेहयाई बढ़ेगी, बेशर्मी बढ़ेगी, तो ऐसी सूरत में उसकी औलाद भी बेशर्म और बेहया होगी। लिहाजा तकाजा यही है कि बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब, तो शरई एतबार से जायज़ है, मगर क्योंकि ऐसा काम करने से बेहयाई बढ़ती है। अब मामला यह है कि जब शरीयत में जो चीज़ जायज़ है अगर उस पर सख्ती से मना कर दिया जाए तो फिर वहाँ रियायत का क्या काम रह गया। यानी शरीयत एक तरफ जायज़ कहती है मगर बुज़ुर्गान दीन ने इसको बेहयाई बढ़ने का बाइस बताया, तो ऐसी सूरत में आदमी ना करे तो शरीयत को इसे नाजायज़ कर देना चाहिए था, ये वसवसा रहता है। तो दरअसल इसका जवाब यह है कि ऐसे मामले में कि जिसमें शरीयत ने जायज़ होने का पहलू बताया हो और बुज़ुर्गान दीन ने उसमें किसी वजह से रुकने का पहलू बताया हो, यानी हमारी भलाई की वजह से, तो ऐसे में करना ये चाहिए कि उसमें दरमियाना रवि अख्तियार करनी चाहिए। मतलब ये है कि जिन लोगों के सवाल थे कि बरहना होकर बिना कपड़ों के मियाँ बीवी एक साथ एक ही चादर में या किसी भी चीज़ में सो सकते हैं या नहीं, तो उसमें जवाब इनको ये करना चाहिए कि इसमें क्योंकि शरीयत ने जायज़ का हुक्म दिया है तो सो लेना जायज़ है, मगर ये कि बुज़ुर्गों ने इससे मना करा है तो मतलब इसकी आदत बना लेना गलत है। मिसाल के तौर पे कहे कि कभी वक्त और मौके की मुनासिबत से, तबीयत की कैफियत की मुनासिबत से, अगर ये फेल कभी हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक दो बार करा जाए तो शरीयत में जायज़ है, लिहाजा एक तो इख्तियार इसको कर लेना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे ऐसा है कि अगर शोहर का इस चीज़ की ख्वाहिश है और बीवी इसको हमेशा मना करती है तो फिर शोहर का यही मुतालबा हो कि शरीयत ने जायज़ किया तो इतनी सख्ती क्यों, तो लिहाजा इस चीज़ का दोनों को ये ख्याल रखना चाहिए कि कभी कभी कर लेना ठीक है और उसकी आदत बना लेना दुरुस्त नहीं। दुरुस्त आदत इसलिए नहीं क्योंकि इससे वही बेहयाई बढ़ेगी, और कभी कभी कर लेना इसलिए जायज़ है क्योंकि शरीयत ने इसे मना नहीं किया, वरना ये कि फिर आदमी के हुकूक के अंदर खलल पैदा हो जाएगी कि किसी ने निकाह किया है और उसकी कोई ख्वाहिश है निकाह के ताल्लुक से, जब वो मुकम्मल उस पर हलाल है तो फिर ये पाबंदी क्यों। लिहाजा ऐसी सूरत में दरमियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए कि कभी इस चीज़ को इख्तियार कर ले, यानी सोने के ताल्लुक से बराना कभी ऐसा कर ले और हमेशा ऐसा ना करे। दूसरा ये होता है कि जिमा वगैरह के ताल्लुक से लाइटिंग के बारे में भी सवाल होता है कि लाइट जली रहनी चाहिए बंद रहनी चाहिए, तो इसमें भी वही हुक्म है जो बुज़ुर्गों ने फरमाया, और दूसरी तरफ ये कि शरीयत के अहकाम हैं कि लाइट को जला रखना जायज़ तो है मगर ये कि बेहतर नहीं है, और एक दूसरे की शर्मगाह को देखना ये आँखों की रोशनी को कमज़ोर करता है। लिहाजा अगर ऐसा मामला है कि कोई ऐसी कम लाइट हो तो ज़्यादा मुनासिब है, बहुत तेज़ रोशनी का होना ये दुरुस्त नहीं है, अगरचे जायज़ है। और इसी तरह शर्मगाह के देखने के ताल्लुक से भी सवालात आते हैं कि देखना और छूने के ताल्लुक से, जो छूना तो एक दूसरे की शर्मगाह को जायज़ है मगर देखने के ताल्लुक से वो ये कि आँखों की रोशनी कमज़ोर होती है, तो हमेशा उस पर नज़र जमा कर देखते रहना ये नुकसान का बाइस है, इससे परहेज़ करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये था, क्या शौहर और बीवी दोनों एक साथ गुसल कर सकते हैं यानी एक बाथरूम के अंदर? तो इसमें भी अहकाम वही है कि गुसल कर सो सकते हैं, जायज़ भी है, मगर ये कि कोशिश ये की जाए कि एक दूसरे की शर्मगाह को ना देखा जाए, तो ऐसी सूरत में गुसल करना दुरुस्त है। एक भाई ने पूछा था कि गुसल के दौरान हम बिस्तरी भी कर यानी जिमा भी कर सकते हैं वहाँ पर, तो ऐसी सूरत में जिमा करना जायज़ है मगर ये सेहत के अतबार से नुकसान है। इसमें दो नुकसान के पहलू हैं, एक तो ये है कि जिमा करते वक्त जिस्म पर पानी डलेगा, जिसकी मैंने अभी पीछे वजाहत की कि इससे आदमी की सेहत ख़राब होने का नुकसान रहता है, तो एक तो वो नुकसान रहेगा। दूसरा नुकसान ये रहेगा कि जाहिर है कि गुसल खाने में अगर हम बिस्तरी की जाएगी तो वहाँ पर खड़े होकर ही की जाएगी, और खड़े होकर हम बिस्तरी करने से आदमी में कपकपाने का मर्ज पैदा हो जाता है, यानी आने वाले वक्त में आदमी खड़े होने में कपकपाता है, उसके हाथ पैर कपकपाएंगे, ये मर्ज पैदा होता है खड़े होकर हम बिस्तरी करने से। बहुत सारे लोगों के अंदर ये वेस्टर्न कल्चर को देखते हुए रिवाज पाया भी जाता है, तो आगे चल कर उनको ये नुकसान का सामना भी ज़रूर करना पड़ेगा कि खड़े होकर हम बिस्तरी करने से जिस्म में कपकपाहट का यानी वाइब्रेट होता ना, पूरी बॉडी हाथ पैर बंदे के कपकपाते हैं एक एज में आके, तो वहाँ पर ये मर्ज होने का अंदेशा है। लिहाजा गुसल खाने में अब यही इसमें फिर वही रवाना दरमियाना रवि
اختیار کرنی پڑے گی کہ ہمیشگی نہ کی جائے، یعنی ہمیشہ ایسا نہ کی جائے کہ جب بھی غسل کریں ہمیشہ ساتھ کریں اور غسل خانے میں ہی ہم بھی جمع کریں، اس چیز سے ہمیشہ پرہیز کریں، اور کبھی کبھی اگر طبیعت اور من والی بات ہے تو کبھی کبھی کر لینا میں حرج نہیں، کیونکہ اس میں کیا ہے کہ شریعت نے جائز کا پہلو رکھا ہے مگر ناپسندیدہ ہے، تو یہ کہ ہمیشگی نہ کرے اور کبھی کبھی اس معاملے کو اگر کرے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں جو ودیشوں میں رہتے ہیں کہ وہ یعنی دبئی وغیرہ یا یو ایس ای کے اندر ہیں اور ان کی زوجہ محترمہ کسی دوسرے ملک یعنی اپنے ملک میں ہیں، تو ایسی صورت میں وہ فون وغیرہ پہ بات کرتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو اشلیل ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں جسم سے مزی بھی نکل جاتی ہے، تو کیا ایسے میں غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، بیوی کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرنا ہے تو جائز، جبکہ زیادہ اس میں گالی گلوچ کے پہلو نہ ہوں، وہ الفاظ نہ ہوں جو بے حیائی اور گالی گلوچ کے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ مزی نکلنے سے، یعنی اگر وہ واقعی میں مزی ہے تو اس سے غسل فرض نہیں ہوگا بلکہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ کپڑے پہ زیادہ لگے گی تو وہ کپڑا جس کپڑے پہ لگی ہے اس کو بدلنا ہوگا، اگر انڈر ویئر پہ ہے تو صرف وہ بدل لیں، باہر کے کپڑے تک پہ نشان ہے تو پھر وہ بدل لیں۔ اور اس کے لیے بھی میں ایک سیپریٹ ویڈیو بنا چکا ہوں، منی ورزز مزی، تو آپ ایک مرتبہ ڈسکرپشن میں کلک کر کے اس کو دیکھ لیں، اس کی پوری تفصیلات میں اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ منی اور مزی یعنی غسل کس آدمی پہ کب فرض ہوتا ہے، کون سے معاملے سے غسل فرض ہوتا ہے۔ ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ ویڈیو کالنگ پر بیوی سے بات کرنا یعنی بغیر کپڑوں کے جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ تو اس میں تو دیکھیں، الیکٹرانک چیزیں پرہیز زیادہ کرنا چاہیے، کہ فون کے اندر معاملہ اگر ایسا اسٹور ہو گیا اور اسٹور ہونے کے بعد وہ فون بل فرض کہیں کھو گیا یا خراب ہو گیا، ریپیئرنگ والے کی دکان پہ چلا گیا، تو اس میں نقصان کے پہلو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، لہٰذا اس چیز سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی یہ کہ ویڈیو کالنگ وغیرہ پہ بیوی سے بات کرنا یا اس کے جسم کے اعضاء کو دیکھنا، یہ شرن جو ہے وہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے، جبکہ اس میں پردے کا بہت سخت خیال رکھا جائے، یعنی کمرے کے اندر، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ ایسا ہو کہ کوئی دوسرا شخص آ جائے، یا ایسا کچھ معاملہ ہو کہ فون میں وہ سیو ہو رہی ہو ویڈیو اور اس سے نقصان۔ اور ویسے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ موبائل وغیرہ کے اندر اپنے پرسنل اس قسم کی ویڈیو یا فوٹوز وغیرہ، یا اپنے گھر گرستی کے فوٹوز وغیرہ، فیمیلز کے فوٹو وغیرہ، عقل مند آدمی کو تو رکھنے چاہیے نہیں فون کے خراب ہونے کا۔ بہت سارے اپنی عقل کو کچھ زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ فوٹو رکھ کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے فون میں لاک ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، تو دیکھیں فون چوری بھی ہو جاتا ہے، کہیں آدمی سے کھو بھی جاتا ہے، خراب بھی ہو جاتا ہے، تو جب فون خراب ہو کے بند ہو گیا تو بند فون میں سے تو کوئی نہیں نکال سکتا، اور سارے فون میں میموری کارڈ بھی نہیں ہوتے، کچھ اسٹوریج ایسے ہوتے ہیں جو موبائل کے اندر اسٹور ہوتے ہیں، تو جب بھی موبائل والے کے وہاں صحیح ہونے جائے گا تو وہاں بے پردگی کا اور خطرے کا اندیشہ۔ لہٰذا خواتین کے فوٹو مرد حضرات کو جو غیرت مند ہوں گے اپنے فون میں نہیں رکھیں گے، باقی تو فاسقوں سے کوئی کلام نہیں، کہ وہ تو جب بے حیائی کی ویڈیو وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں تو پھر اپنے فیملی کے فوٹو بھی اس میں رکھ سکتے ہیں، مگر یہ کہ گھر کی خواتین کے فوٹو وغیرہ اس قسم کے موبائل کے اندر رکھنے نہیں چاہیے۔ جب فوٹو نہیں رکھنے چاہیے تو ایسی صورت میں ویڈیو وغیرہ اس قسم کی یا ویڈیو بنانا، اس سے بھی تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی تھا اور یہ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے مگر ویڈیو کے آخر میں ہے، کہ پوچھتے ہیں کہ حمل کی حالت میں ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور کتنے مہینے تک ہم بستری کر سکتے ہیں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، اگر اس میں اور سوالات تھے مگر یہ کہ زیادہ بڑی ہونے کی وجہ سے شاید لوگ اس کو نہ دیکھیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اور اگر سوال اس میں بڑھیں گے یا لوگوں کے اس قسم کے سوال آئیں گے تو میں اس کا پارٹ ٹو بھی ضرور بنا دوں گا، مگر فی الحال یہ اس ویڈیو کے اندر اتنے سوال کافی ہیں۔ آخری سوال کا میں جواب دے دوں کہ جمعہ کے وقت حمل کے وقت کرنے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، اس میں کوئی مہینوں کی اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے، اس میں بھی آدمی پورے 9 مہینے تک ہم بستری کر سکتا ہے۔ اب اس میں بھی درمیانہ روی یہ ہے کہ دونوں کی صحت کا خیال رکھا جائے، دونوں سے مراد ماں اور ماں کے پیٹ میں پل رہے بچے کا خیال رکھا جائے۔ اگر معاملہ اتنی آرام سے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے کہ کسی بھی قسم سے بچے کو نقصان نہ ہونے پائے، تو پھر یہ 8 مہینے 9 مہینے تک جائز ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری بیوی کو 6 مہینے کا حمل ہے تو کیا ہم بستری کر سکتے ہیں، یا 7 مہینے کا حمل ہے، تو پہلے مہینے سے لے کر 9 مہینے تک ہم بستری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج یا گناہ والی بات نہیں ہے۔ بس احتیاط سامنے والے کو رکھنی ہے کہ بیوی اور بچے کو ایسی صورت میں زیادہ صحت کے اعتبار سے خیال رکھنے والی بات ہے تو نقصان نہیں ہونا چاہیے صحت کا۔ باقی اگر آدمی اتنی احتیاط سے کرے گا کہ بچے کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور بیوی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے، یعنی یہ کام بھی جائز ہے۔
उम्मीद है कि बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इसमें मिल गए होंगे। अगर आप चाहेंगे इस तरीके के सवालात के जो लोगों को जानना, इल्मे दीन का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इंशाल्लाह मैं इसका पार्ट टू भी बना दूंगा। इसमें और भी कुछ सवालात होंगे, मगर जो ख़ास ख़ास थे उसके मैंने तकरीबन जवाब दे दिए। बाकी वो 5 वीडियो जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप उनको भी देख लें और एक मरतबा उनको भी सुन लें, तो इंशाल्लाह ताला आपके इल्म में भी जो है वो इजाफा हो जाएगा।